नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब मात्र 6 दिन बचे हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल जबरदस्त चुनावी प्रचार में जुटे हैं। वहीं बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर तमाम दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए थे। ऐसे में पहले से घोषणा पत्र नहीं लागू करने का मन बना चुकी जेडीयू ने भी अब अपना पिटारा खोल दिया है। गुरुवार को पटना में जेडीयू कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र को एक नए नारे के साथ जनता के सामने रखा गया है। पार्टी ने नारा दिया है, पूरे होते वादे अब हैं नए इरादे। जेडीयू ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 7 निश्चय पार्ट 2 जारी किया। इसमें युवाओं को रोजगार देने पर विशेष बल दिया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। हम लोगों का सिद्धांत है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम बेनिफिट। इस वसूल को हम लोग मानते हैं। ये 7 निश्चय को ही हम लोगों ने अपना एजेंडा कहिए या जो हम करना चाहते हैं बिहार वासियों के बीच में जो संदेश देना चाहते हैं वो केवल 7 निश्चय है और इसी प्रोग्राम को हम लोग करेंगे। लेकिन ये 7 निश्चय दूसरा 7 निश्चय है। पहले 7 निश्चय करीब करीब पूरा होगा और थोड़ा बहुत काम होगा तो 1-2 महीना में वो खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरा 7 निश्चय हम लोगों ने किया है। पहले पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, उसको आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं पढ़ा भी दूंगा। पहला बिंदु है हम लोगों का युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी। चौथा बिंदु है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। पांचवा बिंदु है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। छठा बिंदु है सुलभ संपर्कता और सातवां बिंदु है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। पिछली बार चुनाव में जेडीयू का 7 निश्चय पार्ट 1 था, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली, नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े, आगे पढ़े। इन वादों को नीतीश सरकार करीब करीब पूरा करने का दावा कर रही है। ऐसे में देखना होगा किस बार के किए वादों पर जनता भरोसा करती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।